हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। अपनी प्रथम वर्षगांठ पर अनसीन इलोक्वेंट्स ने कला काशिद का भव्य आयोजन किया गुरुवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में। इस मौके पर उपस्थित प्रतिभागियों ने खुद की बनाई हुई पोएट्री, शायरी, स्टोरी, स्टैंड अप कॉमेडी और सिंगिंग की विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन को उपस्थित श्रोताओं ने खूब सराहा। प्रतिभागियों ने न केवल समसामयिक मुद्दों को छुआ बल्कि कई संवेदनशील मुद्दों को भी उभारते हुए उस पर अपनी जोरदार प्रतिक्रिया रखी। न्यूज टुडे दरभंगा ने इस आयोजन में मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। तेरे पीछे क्यों बर्बाद है जबकि तुमसे खूबसूरत तुम्हारी याद है। क्या होता है जो हम किसी से बात करना चाहते हैं और बातें नहीं होती तो मन होता है जो अरे यार वो बात कर ले, गाली ही दे लेकिन बात कर। उसी कवि ने लिखा है कि हमेशा यादों में ही मिलते हो, हमेशा यादों में ही मिलते हो, कभी हकीकत में भी मुलाकात कीजिए। हमेशा यादों में ही मिलते हो, कभी हकीकत में भी मुलाकात कीजिए, दो चार गालियां देकर ही सही मगर बात कीजिए। मतलब वैसे लोग जो काफी अच्छा बोल सकते हो या काफी अच्छा लिख सकते हो, इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्लुएंट इन स्पीकिंग और राइटिंग। तो वैसे लोग जो काफी अच्छा बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, तो हमारी कंपनी का मोटो यही था कि हम उन लोगों को चुन करके लाए जो लोग अच्छा लिखते हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। हमने देखा हम युवा हैं, हम क्या करते हैं, हम फोन यूज करते हैं, हम फोन में देखते हैं, काफी सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, काफी कुछ देखते हैं। तो यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही एक यूट्यूब चैनल सोशल हाउस मुझे दिखा, कहने का कार्य करती थी और काफी अच्छा कार्य करती थी, काफी लोगों को उसने काफी छोटे लेवल से काफी बड़े लेवल तक भेज दिया, जो जिसमें कला बहुत ज्यादा अच्छी से मतलब परिपूर्ण थी। तो एक ख्वाब आया मन में कि क्यों ना ऐसा कुछ अपने दरभंगा से शुरू किया जाए। कठिन था, दरभंगा में वैसे मानसिकता के लोग मतलब उस चीज उस मानसिकता को जानने वाले लोग बहुत ही कम थे, लेकिन कला से परिपूर्ण लोग यहाँ पर थे। प्रारंभ किया मैंने 10 फरवरी 2019 को। पहला इवेंट हुआ माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, वसंत पंचमी के दिन हमारा कार्यक्रम हुआ पहला कार्यक्रम। और उसके बाद अकेले शुरू किया था, कोई टीम नहीं थी मेरे साथ, अकेले उसको करते करते एक काफी अच्छी टीम मेरे साथ बनी और एक साथ मिले हमें हो गए इस 10 साल। काश की इतनी शिद्दत होती इंसानों के प्यार में। लत खत्म हो जाती है एक मोहलत के बाद, किसी भी चीज की अगर हैबिचुअलिटी होती है तो टाइम के साथ वो खत्म हो जाती है। तो लत खत्म हो जाती है एक मोहलत के बाद, मोहब्बत नहीं होती मोहब्बत के बाद। लत खत्म हो जाती है एक मोहलत के बाद, मोहब्बत नहीं होती मोहब्बत के बाद। दिल से किसी की वकालत न करना भूल जाती है दुनिया जमानत के बाद। नवजीवन के सीजन का आधार होती माँ, खुद के खून से सींच हमें आकार देती माँ, सब पर जाग कर हमको नींद सुकून का देती, अपने आंचल के अमृत से हमारी भूख मिटाती माँ। क्या उसकी कहानी बताऊं तो ये है, सुनिएगा और फरमाइए। उसका नाम वैश्य है, घर तोड़ने वाली भी कहते हैं उसे। उसका नाम वैश्य है, घर तोड़ने वाली भी कहते हैं उसे। इज्जत की तो बात छोड़ो, मरे हुए इंसान सा बर्ताव करते हैं लोग, मरे हुए इंसान सा बर्ताव करते हैं लोग। काट खाते हैं कुत्ते जैसे, काट खाते हैं कुत्ते जैसे, मानो हवस पुकार रही हो उन्हें। पर कहानी उनकी सुनी है कभी, पर कहानी उनकी सुनी है कभी, पति ने जिसे छोड़ दिया था कभी, कमाने के चस्के ने आसान बता दिया था उसे, लेकिन आज दिल से धन्यवाद करती है प्रभु को तेरा,
लेकिन आज दिल से धन्यवाद करती है प्रभु को तेरा, क्योंकि भूख को मिटाने के लिए अब हम पूरी जान लगाते हैं। लाल को चांद है, अप्रिशिएट करो, फैक्ट है, दिमाग इनका फैक्ट है, नियर इनकी छोटी और सोच इनका हैक्ट है, इनके रेप के डर से लड़की अपने घर में इंटैक्ट है, हाँ इनके आई सुनो छोटे छोटे सामान बाहर ले जाए कड़ी सी बात सरकार ने डाल दिया जेब में मन सुनाई ना देती हमारी आवाज टाइम खड़ा समय भी इतना घड़ी घड़ी बैन शराब बिहार में फिर भी इनको चढ़ी चढ़ी और सारे इनका छोटा लेकिन बातें इनको बड़ी बड़ी है यहाँ के कर्मचारियों का पत्थर का दिल है बेटा करता खर्च और बाप भरता बिल है जिंदगी मुझे हर रोज जी रहा हूँ मरने की चाहत को लिए हर रोज जी रहा हूँ मरने की चाहत को लिए बस एक तलब का फासला तुझ में तेरी वजूद में बस एक तलब का फासला कि ख्वाहिश होनी चाहिए फिर आप जो चाहो मन सकते हो तो बस एक तलब का फासला तुझ में तेरी वजूद में बहुत थोड़ी है जमीन आत्मा के लिए बहुत थोड़ी है जमीन आत्मा के लिए और इस तरह से मैं आपकी दाद चाहूंगा कि अपनी बातों में वजन रखिए जनाब अपनी बातों में वजन रखिए जनाब ये चमड़े काफी थोड़ी है जवाब के लिए ये चमड़े काफी थोड़ी है जवाब के लिए मुश्किलों में रोता रहा करके खुदा को याद मुश्किलों में रोता रहा करके खुदा को याद मांगी नहीं माफी कभी गुनाह के सारे गम को समेट कर खुद में